सोच रहा हूं, चंबल की घाटियों में जब सबसे पहला पुलिस स्टेशन बना था तो मेरी सबसे पहली ड्यूटी भी वहीं पे लगी थी। अरे अच्छा, अच्छों के छक्के छुड़ा दिए थे मैंने। ये तुम्हारे सारे डाकू, तोमर सिंह, पोपट सिंह, मनोहर सिंह, रब्बर सिंह, गब्बर सिंह, ये सारे सिंह मुझसे डरकर चूहों की तरह अपने बिलों में घुस जाया करते थे। अच्छा, 50-50 कोस दूर जब चंबल के बिहड़ों में किसी डाकू का बच्चा रोता था, तब उसकी माँ उसे कहती थी, सो जा बेटे, चुप हो जा, नहीं तो सब इंस्पेक्टर माथुर आ जाएगा। तो क्या बच्चे चुप हो जाते थे? चुप! अरे कई तो गूंगे हो गए, और आगे सवाल मत पूछनी तो तुझे भी गूंगा बना दूंगा। ये आजकल के चोर उचक्के टपोरी मुझसे क्या आंख मिलाएंगे? अजीत सिंह का नाम सुना है तुम लोगों ने? वो स्मगलर अजीत सिंह। कल मुझे दारू के अड्डे पर मिल गया, मैंने भी मौका नहीं छोड़ा, दबोच लिया उसे। पहले तो अकड़ने लगा, फिर जब माथुर साहब के 2-2 किलो के 2 हाथ 4 बार उसके चेहरे पर पड़े तब गिड़गिड़ाने लगा, हेकड़ी भूल गया, रिश्वत की बातें करने लगा। मैंने कहा, अरे भैया इतनी दौलत कहाँ है तेरे पास जो तू इस माथुर की ईमानदारी को खरीद सके। पैरों में पड़ गया, गिड़गिड़ाने लगा। माथुर साहब, क्या है वे? इंस्पेक्टर विजय साहब आए हैं। वो आपको याद कर रहे हैं। उलझ गया होगा किसी केस में, उलझ गया होगा। उसकी गुत्थी में सुलझा कर आता हूँ, तुम लोग यहीं पे रहना है। गुड मॉर्निंग सर। आइए आइए माथुर साहब, कहाँ हैं आप? जी वो शेर के पंजे से शिकार छूट सकता है, लेकिन हमारे विजय साहब के पंजे से मुजरिम कभी नहीं छूट सकता। यही बात मैं एक अखबार वाले को समझा रहा था। बड़ा कॉन्फिडेंस है आपको मुझ पर? टैलेंटेड लोगों पर मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत इज्जत करता हूँ उनकी, उनके सामने कभी नहीं बैठता। बैठिए ना। बड़ी ना बात है, सीनियर जो है वो वर्दी पे लगे बिल्लों से सीनियर नहीं बनता। उम्र और तजुर्बा इंसान को असली सीनियर बनाता है। इसमें क्या शक है? वैसे बिल्कुल ठीक कहा आपने माथुर साहब, कल रात जो 4 लाशें हमारे इलाके में मिली थी उनके बारे में आपका तजुर्बा क्या कहता है? मेरा तजुर्बा ये कहता है कि उनके कातिल को इनाम मिलना चाहिए। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो 4 जो थे ना, वो जुर्म की दुनिया के बहुत बड़े खिलाड़ी थे। ओ। और उनके मरने से पुलिस रिकॉर्ड की 4 फाइलें तो बंद हो गई। तो फिर आपके हिसाब से इस पुलिस स्टेशन को बंद करके किसी इनामी योजना का दफ़ बना देना चाहिए? बुरा आइडिया नहीं है। अच्छा, तो तू नहीं मानेगा कि तूने चोरी की? नहीं साहब, मैंने चोरी नहीं की। तो ठीक है, तो तेरे पर मर्डर का केस थोप देते हैं। नहीं साहब, मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, मर जाऊंगा। रेप का केस थोप देते हैं। नहीं साहब, अब कोई ना कोई केस तो थोपना पड़ेगा ना भैया, या मर्डर या रेप या फिर बॉम्ब ब्लास्ट। नहीं साहब, मैं चोरी ठीक हूँ, मैं चोर हूँ, मेरा बाप चोर है, मेरे बच्चे चोर है। ठीक है, तो तू कबूल करता है ना कि तूने चोरी की? हाँ साहब, मैंने चोरी की है। ले जाओ इधर, लॉक अप कर दो। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? इंस्पेक्टर माथुर स्पीकिंग। कहिए मैडम, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जी आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर इंस्पेक्टर विजय से आप मेरी बात करा दे तो। अरे उससे बात कर क्या करेंगी आप? अरे वो तो बड़ा बेकार है, नादान है, नाकारा आदमी है, आपके कोई काम का नहीं है। आप जैसी मीठी आवाज वाली को मुझसे बात करनी चाहिए। जी मुझे उन्हीं से कुछ जाती काम है। यानी पर्सनल बात? अरे क्यों अपने आप को बुरे वक्त में डालना चाहती हैं आप? 8-8 दिन तक वो आदमी नहाता नहीं है। और तो और एक राज की बात बताऊं, ऊपर से बहुत जल्द 2 हफ्ते में उसे नौकरी से निकालने वाले हैं। किसको नौकरी से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं माथुर साहब? अरे उसे विजय। आ गए विजय साहब, आ गए। आप उन्हीं से बात कर लीजिए, लगता है होने वाली भाभी का फोन है, मैं चलता हूँ। माथुर साहब एक बात तुम मान गए, आपकी ईमानदारी को कोई खरीद ही नहीं सकता। अरे इसमें क्या शक है? लेकिन फर्ज कीजिए
अगर कोई सुंदर सी कन्या आपके सामने आ जाए तो अरे तो क्या 1000 निर्वस्त्र कन्याएं इस माथुर के सामने खड़ी कर दीजिए, जिनके बदन संगमरमर से तराशे हुए, जिन्हें देखकर पत्थर भी पिघल जाए। आप तो फिर अरे नहीं, ये माथुर टस से मस नहीं होगा। पिछले जन्म में मैं विश्वामित्र था। विश्वामित्र? हाँ, लेकिन मेनका ने तो उसको क्लीन बोल्ड कर दिया था। हाँ, मैं उस विश्वामित्र की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर किसकी बात कर रहे हो? मैं उस विश्वामित्र की बात कर रहा हूँ जो मैं था। सेंचुरी बैट्समैन, टिका रहेगा लेकिन आउट नहीं होगा। गए मिस्टर, मैं भी चला। माथुर, ओ मेरी माथुर। कौन है आप? मेरे प्यारे माथुर, तुम्हारी मेनका। मेनका? और मैं विश 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 कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मेरे माथुर, मुझे कंप्लेन लिखवानी थी। क्या कंप्लेन है आपकी? कितनी गर्मी है। हाँ, बहुत गर्मी है। मैं काम करती हूँ, ये उतार दे। क्या कर रही है आप? क्या कर रही है? पुलिस स्टेशन है आप यहाँ? ठंडा मंगवाओ, ठंडा मंगवाओ आपके लिए। तुम तो ऐसे ही ठंडे हो माथुर। मैं नहीं नहीं, मैं तो बहुत। आओ मैं तुम्हें ठंडी जगह ले चलती हूँ। चलो मेरे साथ। ठंडी जगह? आओ भी। मैं तुम और ठंडी जगह। क्या कर रही हैं आप? ये आप मुझे कहाँ ले जा रही हैं? ठंडी जगह में। ठंडी जगह? मैं तो बहुत ही। क्या कर रही हैं?